नहीं ना। ये लगता है बड़ा क्लम्सी ये सब ठीक करो। सर हमारे सेल्फ हेल्प ग्रुप जो पूरी डिस्ट्रिक्ट के साथ बने हुए हैं, ये हमने पूरी बुक बनाई है। दीज आर 2 2 7 9 उनमें से बहुत अच्छी ग्रुप अभी हुए हैं जो सभी से पहले अच्छा तो बात हम इकट्ठी कर रहे हैं। तो हर एक ग्रुप क्या करना है सर आप लॉन्च करें। ओके जी लो जी वो लड़की सबसे सुंदर थी ठीक है ना। शुरू शुरू में जो चीज अच्छी नहीं वो लगेगी ना उसके बाद वो क्या है ना हुजूर बड़ा लगा यहाँ के वुमेन ग्रुप को हमने गाइड किया था क्योंकि चावल में बहुत ज्यादा हो जाता है मोटे चावल आटा बनाया 2 kg का 2 kg का फैट अभी बनाया अच्छा और 30 rupees का किलो ये देखिए सर ये 12 rupees किलो वहाँ पे इतना कौन से राइस खाना है तो ये रोज खुलेगा जी सर 10 to 5 क्यों सरकारी जो सब्जी सरकारी सर 10 बजे कौन सब्जी खरीदने आता है तब तो खा पी के लोग गया होता है तो सवेरे खुलना चाहिए 8 बजे खोल 8 से 3 8 बजे से कितने रुपए किलो है ये ज्यादा दाम नहीं ले रहे हो 12 rupees किलो बिकता है बोल रही तुमको नहीं फार्मर का होना चाहिए लेकिन प्रॉफिट भी रिजनेबल होना चाहिए। इसमें सर 2 varieties हैं एक 45 इधर आइए ये सारे नेताओं वाली गोभी है अलग अलग पार्टी आम की है अलग अलग पार्टी नहीं नहीं नेता लोग अलग अलग कलर पहन लेते हैं ना देसी हम लोग सीधे साधे सिर्फ सफेद कलर में होते हैं लो जी कलरफुल हाँ आते मैं क्या खाने का अरे भैया क्या करता है बड़े ऐसे गिफ्ट बांटोगे लॉस में चले जाओगे चलो सर सामने तेरा क्या नाम है कहाँ के रहने वाले किसी ने तंग तो नहीं किया तेरे पे मिठाई उठाई नहीं मांगी पक्का अब खिलाओ नहीं बोल सकते हो मिठाई उठाई मांगी नहीं मांगी पक्का कोई किसी अफसर ने तंग नहीं किया सीधा दे दिया ऐसे होता है क्या होता है मैं मीडिया के सामने ही साफ साफ पूछ रहा हूँ हाँ जी किसी ने तंग किया नहीं किधर पैसा पूछा तो लगा नहीं 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 मिठाई पूछ रहे ना सीधा पूछा लो जी खुश ओके गुड
हाँ जी, आप कहाँ से हो? सर माईचक से। माईचक से खुश? खुश सर। कोई कब? छोटे ट्रैक्टर भी है। वाह वाह, महान कुंभी। श्रीमती कांता देवी दे दो, बेटे को दे दो। लो जी, हाँ जी, लो जी, क्या करोगे इससे? ये मशरूम का भाई अच्छा, उसमें पोस्टिंग में काम है। मेरे दौरे से किसानों को क्या मिलेगा? किसानों को फायदा होता है अपनी मेहनत का। खैर, आज का जो दौरा था मेनली बॉर्डर एरिया पर केंद्रित था। मैं लास्ट जो सफ़ेद पत्थर होता है वो वहाँ तक होके आया हूँ और फेंस के पार गया था। फेंस के पार के इलाके को देखा पहली बार 20 साल में। डिपार्टमेंट और BSF दोनों के सहयोग से कोई 150 एकड़ में वहाँ खेती हुई है और हमारा टारगेट है कि इस खरीफ के सीजन में फेंस के उस पार के जितनी भी ज़मीनें हमारी 20 साल से पड़ी हुई हैं उन सबको खेती के दायरे में लाया जाए। ये एक नेशनल नुकसान है और जब हम इसको ज़रूर पूरा करेंगे। साथ ही हमने ये भी ऐलान किया है कि जो बॉर्डर के 5 किलोमीटर के दायरे के गांव हैं और उनकी जो भी ज़रूरियात है खेती के रिलेटेड, चाहे उनको ट्रैक्टर चाहिए या टिलर चाहिए, उनको सब चीज़ पहले प्रायोरिटी पर, फर्स्ट प्रायोरिटी पर उनको मुहैया कराई जाए। और उसी सिलसिले में हमने 100 ट्रैक्टर सैंक्शन किए हैं इन बॉर्डर विलेजेस के लिए। उन बॉर्डर विलेजेस के लोगों की प्रायोरिटी पर अगले एक हफ्ता में जितने एप्लीकेशन से पेंडिंग वो क्लियर किए जाएंगे। उनको जितनी डेयरी यूनिट्स और जितनी सीट यूनिट्स चाहिए वो प्रायोरिटी पर सैंक्शन करी जाएगी। आखिरकार जब गोलियाँ चलती हैं तो सबसे पहले घर छोड़ के यही भागते हैं और सबसे पहले उन गोलियों का सामना यही करते हैं, तो इतना हक तो उनका बनता है। हमने कई प्रोग्रेसिव फार्मर्स के काम भी आज देखे, कई जगह स्प्रिंकलर सिस्टम देखे, अच्छे से काम कर रहे हैं। हमने स्ट्रॉबेरी फार्म, एक प्रोग्रेसिव फार्मर का विजिट किया, वहाँ भी काफ़ी अच्छा था। एक हमने वहाँ पे FPO जहाँ 250 वुमेन ने बनाया है और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत अच्छे जज्बे से हैं। और ये जहाँ पे हम खड़े हैं आज, आपने ये शॉप, एक परमानेंट शॉप होगा ये। और कठुआ में पिछले एक साल में कोई 250 वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप खड़े किए गए हैं, जिसमें कई ने अपना काम करना शुरू कर दिया है, कई भविष्य में अपना काम शुरू करेंगे। उनके जो उत्पाद हैं, कृषि से रिलेटेड जो उत्पाद हैं, वो खुशी खुशी हमारे शॉप पे यहाँ पे लाके अपना उत्पाद बेच सकते हैं और ग्रुप की कमाई कर सकते हैं। मैं काफ़ी खुश हूँ कि ये शॉप उनको बगैर किसी किराए के, बगैर किसी इसके मिल रहा है, एक प्लेटफॉर्म मिल रहा है अपने सामान को बेचने का। मैंने इनको हिदायत दी है कि 10 बजे के बजाय इसको 8 बजे से खोला जाए, सो दैट वही वक्त होता है जब घर की ज़रूरतों की चीज़ लोग खरीद कर ले जाते हैं, ज़्यादा ले जाते हैं, ऑफिस आवर से पहले इसको खोलना है। और आपने खुद, कई मीडिया बंधुओं ने हाईलाइट किया है, अपने आप के काम बोलता है, तो एग्रीकल्चर और एलाइड सेक्टर्स में काफ़ी काम हुए हैं। यही वजह है कि आज हम